नमस्कार, मैं उप्रिया। आज है 30 मई। चले जानते हैं बिहार के 25 बड़ी खबरों को। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या में हुआ इजाफा। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बिहार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बीते दिन जारी किए गए दूसरे अपडेट तक 174 नए मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद बिहार में प्रभावितों की कुल संख्या 3,359 हो गई है। पाए गए मामलों के प्रभावित जिलों की बात करें तो पूर्णिया में 13, औरंगाबाद में 4, बांका में 5, मुंगेर में 1, खगड़िया में 5, गोपालगंज में 8, मधुबनी में 14, शेखपुरा में 20, वैशाली में 1, गया में 3, सारण में 1, भोजपुर में 12, पटना में 5, समस्तीपुर में 7, लखीसराय में 4, जमुई में 4, नवादा में 3, जहानाबाद में 19, बक्सर में 1, भागलपुर में 24, नालंदा में 2, कैमूर में 10, अरवल रोहतास में 1, अररिया में 1, किशनगंज में 1 और बांका में 1 मामला सामने आया है। बिहार में कोविड-19 के 159 मरीज हुए स्वस्थ। बिहार में जहां एक तरफ कोविड-19 के मामले लगातार बढ़ते जा रहे, वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग की तरफ से राहत भरी खबर सामने आई है, जिसके तहत स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बीते दिन अपने ट्विटर के माध्यम से बताया कि बिहार में एक दिन में रिकॉर्ड तोड़ 159 कोविड-19 मरीज स्वस्थ हो गए हैं। उसके बाद बिहार में स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 1209 पर पहुंच गया है। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने स्वस्थ हुए सभी मरीजों को अपनी शुभकामनाएं दी है। हालांकि बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या को बढ़ता देखकर स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार इसके रोकथाम में जुटा हुआ है। बिहार में कोविड-19 की वजह से जान गंवाने वालों की संख्या पहुंची 18। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या जितनी तेजी से बढ़ रही है, उतनी ही तेजी से इससे जान गंवाने वालों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। बीते दिन कोविड-19 की वजह से 2 व्यक्तियों की जान चली गई है, जिसकी पुष्टि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किए गए अपडेट के बाद हुई है। मिली जानकारी के अनुसार जान गंवाने वालों में से एक व्यक्ति सिवान जिले का रहने वाला है और NMCH में भर्ती था, वहीं दूसरा व्यक्ति समस्तीपुर सदर अस्पताल में भर्ती था। हालांकि यह व्यक्ति 27 मई को ही मुंबई से वापस लौटा था। टिड्डियों के बिहार में आने की बड़ी संभावना। टिड्डियों के बिहार में आने की संभावना बढ़ गई है। नवादा जिला पदाधिकारी ने इस बाबत अपने इलाके में सभी किसानों को सचेत कर दिया है और साथ ही कहा है कि टिड्डियों के झुंड के राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली और उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार आने की संभावना बढ़ गई है। वहीं जिला कृषि पदाधिकारी ने जिले के सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारी, कृषि समन्वयक समेत सभी किसान सलाहकार को अपने अपने कार्य क्षेत्र में सचेत रहने का भी आदेश जारी कर दिया है। वहीं किसानों से अपील की गई है कि अगर टिड्डियों का झुंड उन्हें दिखा तो अविलंब कृषि विभाग को सूचित करे। 1-2 दिन के अंदर बिहार में सभी प्रवासी आ जाएंगे वापस। बिहार में कोविड-19 को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समीक्षा बैठक का आयोजन करवाया था, जिसमें दीपक कुमार, DGP गुप्तेश्वर पांडे समेत बिहार के कई अधिकारी और पदाधिकारी मौजूद थे। वहीं समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने अधिकारियों को आदेश देते हुए साफ तौर पर 1-2 दिनों के अंदर सभी प्रवासियों को वापस बिहार लाने की पहल को तेज करने का आदेश जारी किया है। इसके साथ ही उन्होंने सभी अधिकारियों को आदेश जारी करते हुए बाहर से आ रहे लोगों की अधिक से अधिक जाँच करवाने का भी आदेश जारी किया है। 15 जून तक बिहार में मॉनसून कर सकता है एंट्री। मौसम विभाग ने बिहार में मॉनसून को लेकर अहम सूचना जारी की है, जिसके तहत मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि 15 जून तक बिहार में बारिश और आंधी की संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने बताया है कि भारत में सबसे पहले मॉनसून केरल में आएगा, उसके बाद अन्य राज्यों में मॉनसून का असर देखने को मिलेगा, जिसके तहत केरल में 1 जून को मॉनसून की बारिश होगी। वहीं दिल्ली पहुंचने में मॉनसून को 30 जून तक का समय लगेगा। वहीं बिहार में 15 जून को मॉनसून की पहली बारिश देखने को मिल सकती है। सोनू सूद के बाद स्वरा भास्कर ने की दिल्ली में फंसे यूपी बिहार के मजदूरों की मदद। बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद के बाद अब स्वरा भास्कर ने भी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है, जिसके तहत उन्होंने मजदूरों को बिहार और उत्तर प्रदेश उनके घर भेजने की पहल को तेज किया है। उन्होंने कहा है कि घर जाने के लिए बेकरार मजदूरों की समस्या उनसे देखी नहीं गई और यही कारण है कि उन्होंने सभी मजदूरों को घर भेजने का फैसला लिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लाखों मजदूर की मुसीबत की घड़ी में कुछ ना कर पाने और आराम से घर में बैठने पर उन्हें शर्मिंदगी महसूस हुई, इसलिए उन्होंने यह कदम उठाने का फैसला लिया है। इसके बाद दिल्ली सरकार की मदद से ने मजदूरों को भेजने का सिलसिला शुरू किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी नियोजित शिक्षकों पर जारी किया मामला वापस लेने का फैसला। कुछ महीने पहले बिहार के सभी नियोजित शिक्षक अपनी मांग को लेकर सड़कों पर उतरे थे, जिस दौरान सरकार ने नियोजित शिक्षकों के खिलाफ कई सारे मामले दर्ज किए थे, जिसके बाद अब उन सभी नियोजित शिक्षकों पर दर्ज किया हुआ मामला वापस लेने का आदेश जारी किया गया है, जिसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से इस आदेश की एक चिट्ठी सभी जिलाधिकारियों को जारी कर दी गई है, जिसके लिए मुख्य सचिव ने कहा है कि सड़कों पर उतरे नियोजित शिक्षकों के खिलाफ मामला दर्ज था, उन सभी मामलों को वापस ले लिए जाने का आदेश जारी किया गया है। खबरों की माने तो विभागीय स्तर पर समीक्षा के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में यह निर्णय लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के एक जवान को किया बर्थडे विश। कोविड-19 के बीच जहां पूरे देश में बंद का माहौल है, वहीं सभी सुरक्षाकर्मी लगातार दिन रात करके सभी लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने में लगे हुए हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के एक जवान को जन्मदिन पर विश किया है, जिसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस जवान से फोन पर बातचीत की है। साथ ही ईमेल के जरिए जवान विकेश भगत को जन्मदिन की बधाई भी भेजी है, जिसके साथ विकेश के साथ साथ पूरा थाना खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा है।
जीतन राम मांझी हुए तेजस्वी यादव के खिलाफ हम प्रमुख जीतन राम मांझी आए दिन अपने ही दल के नेताओं के खिलाफ बहसबाजी करते नजर आते हैं। इसी क्रम में उन्होंने एक बार फिर से अपने ही दल के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दी है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि तेजस्वी राजनीति कर रहे। अप्रिय वाक्यों का सिलसिला सिर्फ गोपालगंज में ही नहीं बल्कि आरा जहानाबाद जैसी जगहों पर हुआ था, मगर तेजस्वी यादव मनमानी कर रहे हैं। अगर तेजस्वी यादव को आवाज ही उठानी थी तो सभी सहयोगियों के साथ लेते और तब आवाज उठाते, मगर तेजस्वी यादव सिर्फ मौका देकर राजनीति करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डीएम और एसपी के साथ की बैठक। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी डीएम और एसपी के साथ समीक्षा बैठक की है, जिसके तहत उन्होंने बंद के चौथे चरण के समाप्ति के बाद की रणनीति पर विचार विमर्श किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने भारी संख्या में बिहार पहुंच रहे प्रवासियों को भी रोजगार मुहैया करवाने और संक्रमण से बचाव के लिए तैयार रहने की अपील की है। खबरों की माने तो प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार और संक्रमण से रोकथाम के लिए आगे किस तरह की रणनीति बनाई जाए, इस पर सभी एसपी और डीएम के साथ बातचीत की गई है। राज्यपाल फागू चौहान ने बिहार के 5 विश्वविद्यालय में वित्त अधिकारी और 4 वित्तीय सलाहकार को किया नियुक्त। राज्यपाल फागू चौहान ने बिहार के 5 विश्वविद्यालयों में वित्त पदाधिकारी और 4 विश्वविद्यालयों में वित्तीय सलाहकार की नियुक्ति की है, जिसके तहत मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय, TNB भागलपुर विश्वविद्यालय, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, LNMU दरभंगा, BR बिहार विश्वविद्यालय में वित्तीय पदाधिकारी की नियुक्ति की गई है। वहीं पूर्णिया विश्वविद्यालय, LN मिथिला विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में वित्तीय सलाहकार की नियुक्ति की गई है, जिसकी अधिसूचना राजभवन की तरफ से जारी कर दी गई है। बिहार पुलिस का रिजल्ट हुआ जारी। बिहार पुलिस के रिजल्ट की घोषणा कर दी गई है। सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल की वेबसाइट पर रिजल्ट को जारी कर दिया गया है, जिसमें हजारों की संख्या में कैंडिडेट्स को कामयाबी मिली है। आपको बता दें, सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल की ओर से पुलिस मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल पोस्ट पर भर्ती के लिए 496 पदों पर आवेदन की मांग की गई थी, जिसके लिए कई सारे कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था, जिसके बाद अब इसके रिजल्ट की आधिकारिक घोषणा कर दी गई है, जिसके लिए अब सभी अभ्यर्थियों को बिहार पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट csbc.bih.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट देखना होगा। माध्यमिक शिक्षक संघ ने की गर्मी की छुट्टी में किए जा रहे काम को एडजस्ट करने की मांग। बीते कुछ महीने पहले ही शिक्षक अपनी मांग को लेकर सड़कों पर उतरे थे, जिसके बाद सभी शिक्षकों के उनके काम पर अनुपस्थिति दर्ज की गई थी। हालांकि अब शिक्षक संघ ने बिहार सरकार से मांग करते हुए गर्मी की छुट्टियों में किए जा रहे काम को सड़कों पर उतरने वाले अवधि में एडजस्ट करने की मांग की है, जिसके लिए बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रवक्ता अभिषेक कुमार ने शिक्षा विभाग से मांग की है कि शिक्षकों के सड़कों पर उतरने की अवधि में कार्य दिवस की क्षतिपूर्ति की जाए। मंत्री ने नगर निगम के अधिकारियों को दिया सख्त निर्देश। पिछले साल अक्टूबर के महीने में पटना में हुए जलजमाव के बाद सरकार को काफी ज्यादा किरकिरी हुई थी, जिसके बाद बरसात से पहले जलजमाव से निजात के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है, लेकिन नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा ने पटना को जलजमाव से महफूज रखने के लिए विभागीय अधिकारियों को सख्ती से समझाते हुए यह साफ कहा है कि अगर इस बार पटना की हालात पिछले साल की तरह देखने को मिले तो किसी भी अधिकारी की खैर नहीं है। अगर काम में सही तरीके से नहीं किया गया और काम में अगर ढिलाई देखी गई तो उस अधिकारी के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाया जाएगा, क्योंकि समीक्षा बैठक में पाया गया है कि ड्रेनेज प्लान की DPR बनाने के लिए जिस एजेंसी का चयन किया गया था उसका काम संतोषजनक नहीं है। पटना एयरपोर्ट ने फ्लाइट का नया शेड्यूल किया जारी। कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव के बीच शुरू हुए विमान सेवा का विस्तार किया जा रहा है। पटना एयरपोर्ट प्रबंधन फ्लाइट का नया टाइम टेबल जारी किया है, जिसके बाद पटना में हैदराबाद के लिए बीते दिन सीधे विमान शुरू कर दी गई है, जिसके तहत पटना से हैदराबाद के लिए हफ्ते में 3 दिन यानी शुक्रवार, शनिवार और रविवार डायरेक्ट फ्लाइट होंगी। इसके अलावा नई दिल्ली के लिए विस्तारा ने अपनी सेवा की शुरुआत की है। मुंबई के लिए इंडिगो और स्पाइसजेट ने एक एक फ्लाइट रोज उड़ाने का ऐलान जारी किया है। 31 मई को बंद के चौथे चरण के खत्म होने के बाद नया शेड्यूल लागू किया गया है। नियमों का पालन नहीं करने वालों से वसूले गए 24 लाख से ज्यादा रुपए। कोविड-19 के बढ़ते असर के कारण जहां प्रशासन लगातार सभी आम नागरिकों से बंद के नियमों का पालन करने की अपील कर रही है, वहीं दूसरी तरफ लोग अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहे हैं। ADG जितेंद्र कुमार द्वारा बीते शाम जारी किए गए अपडेट के अनुसार बीते 24 घंटे में बिहार में 14 व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज होने की बात सामने आई थी। इसके साथ ही 808 वाहन भी ले लिए गए थे। वहीं 24,15,700 की वसूली भी की गई है। आपको बता दें, बंद के नियमों का पालन करना जरूरी नहीं समझ रहे लोगों पर पुलिस सख्ती से पेश आ रही है। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बिहार के क्वारंटाइन केंद्रों की दी जानकारी। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बिहार में कोविड-19 के बढ़ते असर के बीच बिहार के क्वारंटाइन केंद्रों की जानकारी साझा की है, जिसके तहत उन्होंने बताया है कि बिहार में फिलहाल 13 लाख मजदूरों के रहने की व्यवस्था क्वारंटाइन केंद्रों में की गई है, जिसके तहत हर मजदूर पर 3750 रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, क्वारंटाइन का समय पूरा होने के बाद मजदूरों के खाते में 1000 की राशि भी डाली जा रही है। बिहार में लाखों की संख्या में मजदूर वापस लौट चुके हैं, जिनकी जाँच करवाने के बाद ही उन्हें उनके घर भेजा जा रहा है।
सभी जिलों के लोक सेवा केंद्रों को पुनः खोलने का जारी किया गया आदेश। कोविड-19 के माहौल के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन समीक्षा बैठक के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए सभी जिलों में लोक सेवा केंद्रों को फिर से खोले जाने की अनुमति दी है। उन्होंने कहा है कि स्वीकृति राशन कार्ड की प्रिंटिंग में तेजी लाने तथा राशन कार्ड का वितरण प्रारंभ करने के लिए लोक सेवा केंद्र को खोलना जरूरी है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग सभी जिलाधिकारियों से बात कर खाद्यान्नों की उपलब्धता एवं वितरण संबंधी अद्यतन प्रावधानों ने उन्हें स्पष्ट रूप से अवगत कराए जाने की जरूरत है ताकि सभी जरूरतमंदों को जल्द से जल्द राहत मिल सके। लालू के समधी ने तेज प्रताप यादव और राबड़ी देवी पर कसा तंज। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के समधी चंद्रिका राय ने बीते दिन अपने दामाद तेज प्रताप यादव और समधन राबड़ी देवी पर तंज कसा है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के खिलाफ पंथ के नियमों का पालन नहीं करने के लिए सख्त से सख्त कदम उठाए जाने की जरूरत है, क्योंकि गोपालगंज में हुए वाक्या को लेकर राजद नेता तेजस्वी यादव का पार्टी विधायकों व विधान पार्षदों के साथ गोपालगंज पैदल निकलना बंद के नियमों के खिलाफ है, जिसके दौरान बंद की धज्जियां उड़ाते देखी गई है और यही कारण है कि उन्होंने दोनों भाइयों के सख्त से सख्त कदम उठाए जाने की मांग की है। एसपी का पद संभाल रहे रवि मोहन 19 साल पहले बने थे केबीसी में करोड़पति। सोनी टेलीविजन पर प्रसारित होने वाले कौन बनेगा करोड़पति में कई लोगों ने अपनी जिंदगी आज बदली है। इसी क्रम में इस शो में 19 साल पहले 14 वर्षीय रवि मोहन ने 1 करोड़ रुपए की धनराशि जीती थी और अब रवि मोहन पोरबंदर के एसपी के पद पर कार्यरत किए गए हैं। इससे पहले राजकोट में डीसीपी के तौर पर काम संभाल रहे थे। रवि ने 2014 में यूपीएससी की परीक्षा पास की थी और गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी बने थे। पंकज त्रिपाठी ने फिल्मों के रिलीज को लेकर कही अहम बात। बिहार से निकले अभिनेता पंकज त्रिपाठी ने बंद में फिल्मों के सीधे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि रिलीज चाहे जहां भी हो, हमारा उद्देश्य है कि हम अधिकतम लोगों तक अपनी फिल्म को पहुंचा सके। उन्होंने आगे कहा कि बेशक बड़े पर्दे का अनुभव अलग है, लेकिन समय के साथ सब सही हो जाएगा और समय के अनुसार चलना चाहिए, क्योंकि अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना की फिल्म गुलाबों सिताबों का डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जा रहा है। वहीं अक्षय कुमार की भी आने वाली फिल्म लक्ष्मी को भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जा रहा है, जिसको देखते हुए पंकज त्रिपाठी ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। 1 जून से इनकम टैक्स से जुड़े फॉर्म में होगा बदलाव। इनकम टैक्स फाइल करने की तैयारी कर रहे सभी आम नागरिकों के लिए अहम सूचना। इनकम टैक्स से जुड़े फॉर्म में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जो कि 1 जून से लागू हो जाएंगे। सीबीडीटी यानी कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने फॉर्म 26AS में संशोधन के साथ अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके तहत अब आप अपने पैन नंबर की मदद से इसे इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट से निकाल सकते हैं। अगर आपने अपनी आमदनी पर टैक्स चुकाया है और या आपकी कमाई पर किसी संस्था ने टैक्स में कटौती की है, तो उसका जिक्र भी आपको फॉर्म में मिल जाएगा। इस फॉर्म के माध्यम से सिर्फ आपके सरकार को चुकाए गए कर की जानकारी होगी, बल्कि अगर आपके अधिक टैक्स दिया है तो उसका रिफंड फाइल करने में भी आसानी होगी। प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए सामने आए वीरेंद्र सहवाग। प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए वीरेंद्र सहवाग सामने आए हैं, जिसके तहत वीरेंद्र सहवाग गरीब लोगों की मुश्किल हालात में मदद कर रहे हैं, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद बीते दिन सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरों को शेयर करके दी है, जिसमें वह प्रवासी मजदूरों के लिए खाना बना रहे। साथ ही उन्होंने लोगों से भी अपने फाउंडेशन के जरिए गरीबों की मदद करने की अपील की है, जिसके साथ उन्होंने लिखा है कि इस मुश्किल समय में अपने आरामदायक घर में खाना बनाना और उसे जरूरतमंद प्रवासी मजदूरों को बांटना ऐसा काम है जो सबसे ज्यादा सुकून देता है। अगर आप भी ऐसे जरूरतमंद लोगों के लिए कुछ योगदान देना चाहते हैं तो हमारे फाउंडेशन पर मैसेज करें। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री ने चीन के सस्ते दाम में तैयार की पीपीई किट। कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव के बीच स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए पीपीई किट अहम भूमिका निभाता है। हालांकि अभी तक भारत इस किट के लिए चीन पर निर्भर हुआ करता था, मगर अब रिलायंस इंडस्ट्रीज ने चीन से 3 गुना सस्ते दाम वाले पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बनाना शुरू कर दिए हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाई गई है। कंपनी के सिलवासा प्लांट में हर दिन 1 लाख किट बनाई जा रही है, जो कि चीन से आयात की जा रही किट की कीमत 2000 रुपए से ज्यादा बताई जाती है। वह रिलायंस इसे मात्र 650 रुपए में बेच रहा है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है सौरभ कुमार, संजना कुमारी, देव प्रकाश सिंह, विश्वजीत कुमार, प्रकाश कुमार, हैदर अली, आतिश आलम, शहबाज खान, प्रमोद कुमार, धर्मेंद्र कुमार, आलोक कुमार, अजीत कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। अभिनेता सोनू सूद की तरफ से प्रवासी मजदूरों के लिए किए जा रहे प्रयासों पर आप क्या कहना चाहेंगे? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।